सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और इंतहाई मशकूर हम आपके कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल आपको इसलिए जहमत दिया आज हमने कि जैसा कि आपको याद होगा और आपको पता होगा कि हमने इलेक्शन पार्टी प्रेसिडेंट का डिसाइड कर लिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुछ दिनों पहले कि हम इस पर अमल करके इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वैसा कि हमने जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो आईन है उसमें हमने कई सारी अमेंडमेंट्स की। एक अमेंडमेंट ये थी कि हमारे प्रेसिडेंट की जगह चेयरमैन नाम होता था, तो हमने उस चेयरमैन नाम को तब्दील करके प्रेसिडेंट कर दिया और फिर बात चली तो फिर चेयरमैन साहब वगैरह जो पहले चेयरमैन थे आप प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट बनेंगे। तो हमने ये इरादा कर लिया कि हम एक इलेक्शन कर देंगे ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है पार्टी में उसका उरूज हो, वो एक डगर पे चले, ताकि एक तो हम डेमोक्रेसी की बात जो हम बाहर करते हैं वो पार्टी के अंदर भी मौजूद हो। तो इस हिसाब से जो हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं सजाद गनी लोन साहब, तो उन्होंने एक हमारे आईन के आर्टिकल 26 के तहत एक इलेक्शन अथॉरिटी का कायम अमल में लाया, जिसका मुझे हकीर इंसान को प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया और मेरे साथ मंसूर सोहरावर्दी साहब हैं, ये मेंबर हैं, हमारे शबनीर साहब ये मेंबर हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे हैं अदनान मीर साहब। तो हमने इस जो कम ये अथॉरिटी बनी इलेक्शन अथॉरिटी, इसकी रूह से हमने 19 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत हमने तमाम जितने भी हमारे लोग हैं जोमा जो है हमारे मेंबर्स जो है हमने उनको दावत दी कि कोई भी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भर सकता है या भरवा सकता है। उसकी आखिरी तारीख हमने रखी थी 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 3 बजे तक जितने भी फॉर्म्स नॉमिनेशन हमारे पास आई और आज जो 2 नवंबर है आज 3 बजे नाम वापस लेने की आखिरी तारीख और आखिरी वक्त था 3 बजे। जाहिर है 3 बजे के बाद जितनी भी नॉमिनेशन हैं वो ठहर जाती हैं, उनको आप रद्द नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने आपको आज दावत दी कि हम आपको ये बता दें कि 3 बजे की सूरत हाल हमारे पास क्या है। वो ये है कि हमारे पास 8 नॉमिनेशन आई हैं टोटल में। नॉमिनेशन आती हैं जैसे ये, इसमें कोई डायरेक्टली खुद अपना नाम नहीं भरता है, कोई फॉर्म नहीं भरता है, बल्कि 5 लोग किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर इलेक्शन। तो हमारे पास ऐसी 8 नॉमिनेशन आई हैं, 5 जनरल काउंसिल मेंबर्स, हाँ 5 जनरल काउंसिल मेंबर्स एक नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी 8 आई हैं नॉमिनेशन जिनमें इतफाक से सिर्फ एक नाम उभर के आया है, वो है सजाद गनी लोन साहब का। 8 के 8 ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है और इस वजह से कि वापस भी किसी ने नहीं लिया क्योंकि 8 के 8 थी, 8 के 8 मौजूद हैं और जब एक ही आदमी की नॉमिनेशन आ जाती है तो उस सूरत में जो हमने 6 नवंबर का इलेक्शन का डेट नोटिफिकेशन में रखा था उसकी जरूरत आन नहीं पड़ती है क्योंकि अनअपोज्ड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 8 जो नॉमिनेशन है कहां से आएंगे। एक हमारी आई है कुपवाड़ा से बशीर अहमद डार साहब एंड प्लस फोर हो गए 5। दूसरी आई है हमारे पास मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब की श्रीनगर से आई है। तीसरी हमारे पास आई अब्दुल वकील साहब की बारामूला रफियाबाद से आई है या सोपोर से। चौथी आई हमारे पास एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े साहब की अनंतनाग से। पांचवी आई हमारे पास हिलाल अहमद राकिर साहब से की चाडोरा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद आई है मोहनलाल जी की जम्मू से और उसके बाद आई है हमारे पास जसपाल सिंह जी की ये भी आई है पुंछ से और आई हमारे पास शेख आशिक हुसैन साहब की हंदवाड़ा से। तो ये 8 की 8 नॉमिनेशंस जो भी हैं इन्होंने एक ही कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है, वो सजाद गनी लोन साहब हैं। तो इस एतबार से आज 3 बजे ये तय हो गया, ये साफ दिखा या नजर आया या फैसला नजर आ गया सामने कि सजाद गनी लोन साहब अनअपोज्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नए सदर मुकर्रर मुंतखब हुए हैं और मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर ये ऐलान करता हूं कि आज सजाद गनी लोन साहब जो पहले चेयरमैन और प्रेसिडेंट थे अब दोबारा से प्रेसिडेंट मुंतखब किए गए हैं, वो भी बिला मुकाबला। अब दूसरा मरहला इसका ये आता है
कि जितने भी हमारे जनरल काउंसिल है जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो हमारे पास कोई 732 लोग हैं जिनको वोट डालना था। अब हम उनकी मौजूदगी में और भी कुछ होंगे हो सकता है, उनकी मौजूदगी में हम 10 तारीख को दारुल जवाद कमरवारी में जो मौलाना इमरान रजा अंसारी साहब की रहायशगाह है वहां पर हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें हम ओथ, हमारे प्रेसिडेंट साहब ओथ लेंगे, हम उनको ओथ देंगे उस दिन और उसके बाद वो रिज्यूम करेंगे चार्ज दोबारा से प्रेसिडेंट और बाकी मामला जो भी चलते रहेंगे वहां पे। तो ये ऑफिशियल फंक्शन होगा जहां पे हमारे सारे 732 ये डेलीगेट जो इलेक्टोरल कॉलेज है हमारा जनरल काउंसिल है वो तशरीफ लाएंगे और उसके बाद हम उनको ओथ देंगे। ओथ लेने के बाद वो अपने नई टीम ओथ लेने के बाद वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके साथ ही वो अपनी नई टीम तश्कील देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है उसके बाद जितनी भी आपकी सेंट्रल या प्रोविंशियल कमिटीज वगैरह होती हैं वो तहलील हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह वो नई बनेगी। डेट क्या बताया? 10 तारीख दस नवंबर को जी।